अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैंने ये काबली पुलाव तैयार किए हैं, सफ़ेद चने का पुलाव, तो बहुत ही मज़ेदार बना है और ये आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं चने का पुलाव बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिए हैं ये चावल, ये एक गिलास है, चने हैं एक प्याली, प्याज है एक मैंने लिया, एक टमाटर लिया है और ये खड़े मसाले हैं, दो बड़ी इलायची, तीन सब्ज़ इलायची, जायफल जावित्री और ये दालचीनी, दो तेज़पात और तीन लौंग हैं और कुछ काली मिर्ची हैं। इसके अलावा मैंने ये ऑयल लिया है, दो हरी मिर्ची मैंने काट ली हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट ली है और ये मेरे पास है, ये सुरख मिर्च है, हल्दी है, ये दो बड़ी मिर्ची हैं और ये गरम मसाला है, ज़ीरा है और नमक है। हम शुरू करते हैं। अब मैंने एक देगची में ऑयल डालूंगी, ओलिवन ऑयल है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें मैं प्याज डालूंगी। प्याज को हमने ब्राउन करना है और इसको मैं हाई फ्लेम पे ब्राउन करूंगी। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूंगी। अब मैं इसमें खड़ा गरम मसाला डाल दूंगी और साथ ही ये सब्ज मिर्च जो काटी थी वो भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें नमक और हल्दी। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी डाल के इसको पकाऊंगी। टमाटर जो है वो हमारे गल गए हैं तो अब मैं इसमें ये चने डालूंगी, चने डाल के भूनूंगी और साथ ही ये जो है सुरख मिर्च, ज़ीरा और गरम मसाला ये सारा मैं डाल दूंगी। चने जो हैं हम भून लिए हैं, अब मैं इसमें चावलों से डबल पानी डाल दूंगी। दो मिनट के लिए इसको मैं उबाल आने दूंगी, फिर हम चावल डालेंगे। पानी को उबाल आ गया है तो अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। इस वक्त जो है चावल डालने के बाद नमक चख सकते हैं, कम हो तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरा नमक बिल्कुल सही है। अब इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी और इनको पकने दूंगी। अब देखते हैं कि हमारा पानी चावलों का खुशक हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी, हल्की आंच पे लगाऊंगी। चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ।
जी हमारा बहुत ही मज़ेदार चने का पुलाव तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार है, मैंने चख के देखा है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। सादी सी रेसिपी है, तो अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।